नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे साथ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डॉक्टर परवेज अहमद है, डॉक्टर अनिल कपूर है और वरिष्ठ जर्नलिस्ट है पुष्पेंद्र शर्मा जी है। और आप सब जान रहे हैं कि इस समय किस चीज की बात होनी चाहिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है, तो वो प्रॉब्लम है कोविड की प्रॉब्लम। हर व्यक्ति जो है ये सोच रहा है कि कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, इस चिंता में सब लोग घुले जा रहे हैं। और अगली बात आपसे करेंगे पुष्पेंद्र शर्मा जी। पुष्पेंद्र जी आप थैंक यू कहिए। मनिंदर जी, एक बार सभी दर्शकों की ओर से मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर परवेज अहमद साहब का, जो सीनियर ऑर्थोपेडिशियन है मेडिकल कॉलेज में और मेरठ और आसपास उनका बड़ा नाम है। जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ है वो है डॉक्टर अनिल कपूर, जो बहुत जोश से भरे रहते हैं और आजकल लीडर हैं डॉक्टर्स के, IMA को लीड कर रहे हैं। उसके साथ दोनों ही शख्स ऐसे हैं जिनमें मानवीय संवेदनाएं कूट कूट कर भरी हुई है, चाहे वो डॉक्टर परवेज हो, चाहे डॉक्टर अनिल कपूर हो। चाहे डॉक्टर अनिल कपूर रात को जाते हुए अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया उसे उठा के ले जाएंगे, अपनी परेशानियां छोड़ के भी वो आगे आते हैं। इस तरह से डॉक्टर परवेज ने ऐसे 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 काम किए हैं कि जिनको गिनती करना या एक फेहरिस्त में सूचीबद्ध करना बड़ा मुश्किल है, और ये उनकी पर्सनैलिटी का एक अलग व्यक्तित्व है। लेकिन इसके साथ जो एक विशेष बात ये है कि वो जो सरकारी तंत्र है, जो अंदर रह के उसकी कमियां जानता है, जो उसकी अच्छाइयां जानता है, वो खूबियां क्योंकि डॉक्टर परवेज में है, तो हम उनसे इसी विषय में बात करेंगे। और डॉक्टर अनिल कपूर जी से मैं उनका स्वागत करने के बाद साथ साथ एक बार और ये कहना चाहूंगा कि सर, जो आज स्थिति हो रही है, चाहे वो मेरठ हो, सब जगह हो, लेकिन हम मेरठ पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। अभी डॉक्टर अनिल कपूर प्रशासन से मिले भी थे कि भाई डॉक्टर्स को इलाज करने दिया जाए, और तीमारदार या कुछ लोग जब किसी तरह से मरीज को कोई हानि होती है तो वो परेशान गुस्से में आके कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, तो डॉक्टर साहब डॉक्टर्स की भी आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन क्योंकि वो पहले डॉक्टर हैं, इसलिए हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि मेरठ में जो हालात हैं, और है तो सभी शहरों में सर, पर क्योंकि डॉक्टर अनिल मेरठ से जुड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि सर, जो हालात है इसमें कैसे सुधार लाया जाए, मरीज क्या करें, डॉक्टर्स क्या करें और अस्पताल संचालक क्या करें। प्लीज डॉक्टर अनिल जी। अनिल जी आप सुन पा, डॉक्टर अनिल आप सुन पा रहे हैं हमें? ऐसा लग रहा है कि शायद वो हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं मनविंदर जी, वो अभी हमसे दोबारा जुड़ जाएंगे। तब तक मैं डॉक्टर परवेज का स्वागत करते हुए उनसे ये जानना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, कुछ डाउट्स है मन में। हो ये रहा है कि ऑक्सीजन भी मिली मरीज को और वो भर्ती भी हो गया, उसके बाद भी जो डेथ रेट है वो ज्यादा रहा। कहीं कहीं से दो चीजें जानने को मिली डॉक्टर परवेज, के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल हो, थोड़ी सी तो इमोशंस की कमी दिखाई दी, और दूसरे ऐसे भी लगा कि उन्हें जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर का है या दूसरी चीजें हैं, वो उन्हें हैंडल करने नहीं आती, और ऐसा लगा कि कुशल कर्मियों का अभाव है। तो मैं जानता हूं डॉक्टर साहब आपने इसके लिए बहुत संघर्ष भी किया है, तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या वस्तु स्थिति है। प्लीज डॉक्टर साहब। नहीं पुष्पेंद्र जी, आप जैसे जानते हैं कि आजकल कोविड महामारी की सेकंड वेव्स काफी ज्यादा फैली हुई है, और बड़ी संवेदनशील और अति संवेदनशील दोनों ही चीजें इसमें आती है, ठीक है, वो डॉक्टर्स की तरफ से भी है, पब्लिक की तरफ से भी है, और सिटीजन्स और गवर्नमेंट और सारा जो पैराफिनेलियल स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो सब चीज इसमें आप उसकी पोल खोलते हुए नजर आती है कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और क्या स्ट्रक्चर इसका वो है। जहां तक कि आपने बात जहां तक कि आपने बात की है कि एक्सपर्ट एंड ट्रेंड स्टाफ, एक्सपर्ट और ट्रेंड स्टाफ, यहाँ पे हम मेरठ की बात कर रहे हैं। मेरठ में
गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास में मेडिकल कॉलेजेस है और दूसरा पीएल शर्मा हॉस्पिटल्स है, ये गवर्नमेंट गैदर्स करता है। रूटीनली जो गैदरिंग ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो हार्डली 5 to 10% पेशेंट्स को गैदर करता है वो ईयर। 90% जो गैदरिंग होती है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर को जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज है, हमारे सुभारती मेडिकल कॉलेज है, चाहे मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज एंड अदर मेडिकल कॉलेज है, और चाहे यहाँ पे मल्टीपल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, जस्ट लाइक आनंद हॉस्पिटल, न्यूटीमा एंड अदर बिग हॉस्पिटल। जो 90% ऑफ पॉपुलेशन गैदर होती है वो प्राइवेट। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब से कोरोना हुआ है, चाहे वो फर्स्ट वेव हो चाहे सेकंड वेव हो, कि फर्स्ट जी वेव में भी हमारे पास में सिर्फ जो पैराफिनेलियल स्ट्रक्चर बचा वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में बचा। इनिशियल गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमारा मेडिकल कॉलेज था, दूसरा हमारा जो पैरा उसमें था वो हमारा सुभारती मेडिकल कॉलेज था, और या फिर हमारा पीएल शर्मा हॉस्पिटल से। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने तब भी यही सब चीज देखा कि हम लोग किस जगह पर खड़े हुए थे। हमारे पास में लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेक ऑफ स्टाफ था, लेक ऑफ डॉक्टर्स थे, वो आज भी हमारा बहुत फर्स्ट वेव से भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा उससे वो नहीं लिया है, सबक लिया है। सेकेंड वेव में जी अचानक हमारे पास में नंबर ऑफ लोड बढ़ा, एकदम से हमारा पूरा जो पैराफिनेलियल स्ट्रक्चर है वो टोटली कोलेप्स कर गया। उसके कोलेप्स के कारण यही है कि हम लोग बार बार, चाहे वो जुडिशियरी सिस्टम हो, चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो तीनों का फेलियर माना जाता है। जुडिशियल सिस्टम में ये होता है कि जुडिशियल सिस्टम में एक डिसीजन आया था 2018 में, सुधीर अग्रवाल साहब ने पीआईएल स्नेहलता वर्सेस गवर्नमेंट उसमें दिया था, उन्होंने पूरा उसका डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट सेक्टर्स का लिया था कि मेडिकल कॉलेज क्या है, हमारा जो नॉन टीचिंग वो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का क्या है, सीएससी पे क्या है, पीएससी पे क्या, उन्होंने फुल डाटा उसमें दिया था, और ये कहा गया था कि 3 महीने के अंदर अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर लो। लेकिन उस डिसीजन का ये हुआ कि वो डिसीजन एक ठंडे बस्ते में चला गया, और अल्टीमेटली उसका सफर क्या हुआ, यहाँ की पब्लिक सफर कर रही है, उसकी आम आदमी सफर कर रहे, उसमें आम आदमी भी है डॉक्टर भी है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोगों को सिर्फ एक ही इलाज स्ट्रक्चर्स मिला है, चाहे वो जुडिशियरी बंदा हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा हो, और चाहे लोकल पीपल हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, उसके पास एक ही प्राइमरी उसमें था, वो है था गैदर करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। फर्स्ट टाइम उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आना पड़ा, वरना तो यहाँ के जितने भी, चाहे वो जुडिशियरी सिस्टम हो चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या सोचता था, हमारे पास पैसा है हम लोग सीधा जाएंगे दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, हम लोग अपोलो या मैक्स या इसमें इलाज करा लेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि वहां पे इलाज ना मिलके आपको डायरेक्टली यहीं पे इलाज मिला है। अब सेकेंड वेव में जी जहां तक कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमारे पास में यहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्टर्स की जो कैपेसिटीज है उसमें जो नॉर्मल एमसीआईएस के नॉर्म्स के हिसाब से भी है, इस मेरठ की मैं बता रहे, यहाँ पे इससे पहले 150 सीटें हुआ करती थी एमबीबीएस की, वो घटा के 100 सीटें हो गई, 3 साल से वो 100 सीटें ही कंटिन्यूअस चल रही है। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जहाँ पे कोई भी एक भी डॉक्टर्स गैदर डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे, विदाउट आपका मेडिकल टीचर्स के वो चल रहा है। तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स कमी है, नंबर ऑफ स्टाफ्स में, नंबर ऑफ स्टाफ में हमारे पास में रहता है कि सबसे ज्यादा टेक्नीशियंस स्टाफ होता है। टेक्नीशियंस में हमारे पास में जो नंबर ऑफ टेक्नीशियंस होने चाहिए वो हार्डली हमारे पास में टोटल 100% की अगर कैपेसिटी तो हार्डली 20 to 30% स्टाफ वर्क कर रहा है। जो टेक्निकल है वो आपकी एनेस्थीसिया मशीन चलाने वाला हो, जिसको हम लोग आजकल जमाने में वेंटिलेटर्स बता रहे हैं, चाहे हम लोगों को पास में ऑक्सीजन देने की सप्लाई हो, चाहे हमारे पास में ऑक्सीजन प्लांट्स का वो हो। इसी मेडिकल कॉलेज में 2014 में सेंट्रल सप्लाई हुए 17 करोड़ रुपए, उसमें एक्सपेंडिचर हुआ 17 करोड़, में वो हुआ वो भी गवर्नमेंट्स में यहाँ पे हुआ, लेकिन उस टाइम पे ऑक्सीजन का हम लोगों ने कोई मैनेजमेंट नहीं किया, सिर्फ 2 कैप्सूल स्टोरेज सिस्टम किया कि 12 टन हम स्टोरेज सिस्टम से उसको सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिमांड्स हमारी ज्यादा थी, उसको हम पूरा नहीं कर पाए। 2017 में अल्टीमेटली गोरखपुर में भी कांड हुआ, गोरखपुर कांड से भी हम लोग कोई सबक नहीं ले पाए,
उसका खामियाजा आज आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। अगर हम 17 के गोरखपुर कांड से भी हम लोग थोड़ा सा चेत जाते तो शायद ये खामियाजा ना इस मेडिकल कॉलेज के लोगों को और ना ही मेरठ की पब्लिक को वो करना पड़ता है। तीसरी जो प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता आप नंबर ऑफ बेड्स तो बढ़ा के नहीं कर सकते है ना, नंबर ऑफ आपको गदद भी चाहिए उसके हिसाब से, नंबर ऑफ स्टाफ भी चाहिए। अब डॉक्टर्स अकेला पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकता, डॉक्टर्स आपको एडवाइज कर सकता है। इम्प्लीमेंट्स किसको करना होता है, इम्प्लीमेंट्स करेगा या तो टेक्निकल स्टाफ करेगी या सिस्टर ऑन ड्यूटी करेगी। डॉक्टर्स हर पेशेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगा सकता, डॉक्टर हर पेशेंट्स को दवाई नहीं दे सकता, डॉक्टर्स एडवाइज कर सकता है, अपने अंदर की ऑब्जर्वेशन में उस चीज को गैदर्स कर सकता है, लेकिन उसके लिए नंबर ऑफ मेडिकल स्टाफ हमारे पास में नहीं है, नंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ नहीं है, उन इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ नहीं है, तो नंबर ऑफ डेथ तो बढ़नी ही बढ़नी। इफ देयर इज नो, आपको के रेशियो चाहिए है ना, रेशियो क्या होता है, रेशियो एमसीआई की गाइडलाइन होती है, जितने भी हम लोग वेंटिलेटर वो होता है उसमें ये होता है कि फोर वेंटिलेटर्स पे दो सिस्टर स्टाफ, एक डॉक्टर्स और तीन टेक्निकल स्टाफ का होना जरूरी है। और यहाँ पे पता चलता है कि हमारे पास में 150 अगर वो है तो वहीं पे एक सिंगल स्टाफ है, एक सिंगल डॉक्टर है, तो 150 स्टाफ के हिसाब से हमें कितने लोगों का स्टाफ चाहिए। तो वो लेको अगर ये लेक गैप नहीं हम लोग पर है, ये गैप एनालिसिस है, गैप है बिटवीन द डॉक्टर स्टाफ एंड द नर्स एंड द नंबर ऑफ बेड एंड नंबर ऑफ द पेशेंट। तो नंबर ऑफ अगर ये गैप एनालिसिस के हिसाब से देखोगे तो सर्वाइबिलिटीज कहाँ से हम लोग दे पाएंगे। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो जो गैप एनालिसिस है, नंबर ऑफ स्टाफ की, नंबर ऑफ सिस्टर्स की, नंबर ऑफ डॉक्टर्स की, और नंबर ऑफ बेड्स बढ़ा के जब तक कि वहां पे गजट नहीं होंगे, डॉक्टर्स नहीं होंगे, स्टाफ नहीं होंगे, तो पेशेंट्स को कैसे हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, यहाँ पे ज्यादा सोचने की। बहुत सही बात कही। तो सबसे डॉक्टर साहब, पहले जो आपने गैप, जी आपने दूसरी महामारी की बात की और बहुत सारी बातें आपने शेयर की हैं, और मतलब उससे भी आगे सुप्रीम कोर्ट तीसरी वेव की बात कर रही है, क्योंकि हर दिन वो वैज्ञानिकों से अपडेट हो रहे हैं, और उन्होंने, आप स्क्रीन पे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया है, और वो सरकार से पूछ रही है कि इसकी योजना आप बनाइए। और हम जो बात कर रहे हैं, देखिए आपने कितनी सटीक बात की है कि किस किस दुविधा से आप लोग जूझ रहे हैं, तो अभी तो हमें लड़ाई और लड़नी है, कैसे होगा ये सब? नहीं मैम, सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना, जरूरत सेकंड या थर्ड वेव्स की नहीं होती है। ये तो देखिए इपिडेमिक्स है, इपिडेमिक्स इसमें जी थर्ड वेव भी आएगी, फोर्थ वेव भी आएगी, फिफ्थ वेव भी आएगी, नोबडी कैन नो इट कि ये कितना लंबा चलेगा, ये भी नहीं कहा जा सकता है। जी सेकेंड जी वेव में भी वायरस कैसे म्यूटेंट करेगा ये भी नहीं कह सकते हैं। इपिडेमोलॉजिकल क्राइटेरियाज होता है, इपिडेमोलॉजिकल क्राइटेरियाज में कब पीक आएगी, कब उसका डाउनफॉल होगा, ये वायरस एक डिफरेंट वायरस है, ये सबको सोचना पड़ेगा। जो ये कोरोना वायरस है ये डिफरेंट वायरस है अदर देन, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस रहा हो चाहे हमारे पास में अदर्स वायरस रहे हो। यहाँ पे क्या है, ये जी अपने जो म्यूटेशंस की वजह से ये अपना शक्ल रोज बदल देता है। आज पेशेंट्स में क्यों चाहे सब, अब थर्ड वेव में बच्चों में इफेक्ट आएगा, एडल्ट में आएगा, मिडिल्स में आएगा, यंगस्टर में आएगा, नोबडी कैन नो इट। प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि बच्चों को जी इफेक्ट होगी। अभी क्या था, फर्स्ट वेव में हमने देखा कि जितने ओल्डर सेज थे या मॉर्बिड लोग से उसमें ज्यादा इफेक्टिवनेस थे, लेकिन इस वेव सेकेंड वेव में जो यंगस्टर है, जो हमारे यंग बंदे हैं, यंग बंदों को ज्यादा इफेक्ट हो रहा है और उसको हमें टाइम नहीं मिल रहा है। इवन जो ओल्डर पर्सन है, ओल्डर पर्सन फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देता है 3 से 4 दिन का, पर जो यंगस्टर होता है उसमें कोलैप्स के चांसेस वेरी रैपिड है, डिटोरिएशन सडनली डिटोरिएट होता है और एकदम से पेशेंट कोलैप्स करता है। तो यही प्रेडिक्शंस करते हैं कि एज से पहले ओल्डर सेज में था, अब यंगर सेज में आएगा। नेक्स्ट प्रेडिक्शंस ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों में हो, ये हम लोग मान के चल रहे हैं, पर ऐसा ऐसा डेफिनेट नहीं है कि हम लोग बच्चों में
ये सब चीजें होगी या नहीं होगी, या एडल्ट को इफेक्ट नहीं करेगा या मिडिल स्टेज में इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी किस रूप में वायरस म्यूटेंट करेगा नोबडी कैन नो। जहां तक कि हम लोगों की तैयारी या रिस्क की बात है, तैयारी तो देखिए आप ग्राउंड रियलिटी तो हॉरेबल है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। प्राइवेट सेक्टर भी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो रहा है, नंबर ऑफ स्टाफ है नहीं है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स आपके पास में नहीं है, नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। सिर्फ हम लोग क्या ऑक्सीजन का रिक्रूटमेंट, ये एक सिंपल एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का मतलब होता है कि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। आज मरीज को मान लिया ऑक्सीजन की जरूरत है, थोड़ी देर बाद वायरीमिया का लोड बढ़ रहा है तो उसको आपको वायरीमिया का लोड कम करना है। तो आप जो है ना इन एपिडेमिक सिचुएशंस में आप ट्रीटमेंट सिर्फ पेशेंट्स का करो, ना कि डायग्नोस्टिक का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ही फ्यूचर्स में भी ये रहेगा, अगर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं करोगे, ग्राउंड रियलिटी नहीं समझोगे, तो आपको इससे ज्यादा नतायज के भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो सफरर होगी वह यहाँ की आम जनता ही होगी, और सफरर्स में हर कोई आना है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे जुडिशियल बंदा हो और चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा, आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। और ये सब चीजें आप बहुत अच्छी बात कही आपने कि इसमें बचेगा कोई नहीं, चाहे पॉलिटिशियन हो या पैसे वाला, पहले मैदान था और वहां जा रहे थे। डॉक्टर साहब एक एक सवाल के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे, आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने इसका बहुत स्टडी किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का और रिसोर्सेज का। अब जैसे तीसरी लहर की आहट तो है ही है, आप भी मान रहे हैं कि ऐसा होगा, सपोज आप मेरठ मेडिकल कॉलेज के इस समय पे प्रिंसिपल होते या आप डायरेक्टर हेल्थ होते यूपी में, तो व्हाट वुड हैव बीन डन, आप होते तो क्या क्या करते और कैसी तैयारी में क्या डिमांड करते, ताकि जो आप बात कहें वो बात हम आगे ले जाएं और भगवान करे ऊपर वाला करे कि हम उनमें से कुछ बातों को शायद पूरा कर ले जाएं। तो डॉक्टर साहब सिर्फ स्पेसिफिक ये बताइए कि ये चीजें एकदम से की जा सकती है। नहीं नहीं अभी अभी तो इमीडिएटली नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से नंबर ऑफ बेड्स और उनको अटेंड करने की कैपेसिटीज होनी चाहिए। आज की प्रॉब्लम सब सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल्स की और नॉन अटेंडेड पेशेंट्स की, ये पेशेंट्स अटेंड ही नहीं कर पा रहे है ना, अटेंड ही नहीं कर पा रहे। तो जब अटेंड नहीं कर पाएंगे तो साइकोलॉजिकली बूस्टअप कैसे करेंगे हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं, कोई भी एपिडेमिक नेशन डिजास्टर्स की आज वो है नेशन इमरजेंसीज, नेशन इमरजेंसीज में चाहे वो है, तो नेशन इमरजेंसीज में जो सबसे ज्यादा हम लोग कर सकते हैं इमीडिएटली, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जो डॉक्टर्स है वो इस नेशन का पार्ट है। ये सब चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमने अगर डॉक्टर्स बने हैं, डॉक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल नेशन के लिए बने हम लोग, स्टाफ है तो वो नेशन के लिए है, सिटीजन्स है तो वो नेशन के लिए है, वन नेशन की तरह हम लोग काम करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज को आगे वो कर पाएंगे। गवर्नमेंट्स हो या प्राइवेट सेक्टर हो, आप सारे के सारे उठा के आप एक उनको एक प्रोक्रूट करो, उनके उनसे प्रॉपर उनको यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क दो और प्रॉपर उनको वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करो। अगर वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, चाहे डॉक्टर्स लेवल पे है, स्टाफ लेवल पे है या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, तो फेलियर होके रहेगा, फेलियर से उसको कोई नहीं बचा सकता। फिलहाल प्रॉब्लम है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कोई भी अपना एक चीज की तरफ भाग रहा है, हर कोई या तो ऑक्सीजन की तरफ भागता है या आप सिलेंडर्स की तरफ भाग रहे हैं, आपका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन थी। आगे प्रेडिक्शन के बारे में सोचते जो एट प्रेजेंट है उस चीज से टैकल्स नहीं कर रहे, उस चीज से हम पीछा छुड़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल्स पे हो। जहां तक कि आपने बात की है कि अगर मैं यहाँ का वो होता है या एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो मेरा सबसे पहले यही होता है कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क है, कोई भी पेशेंट्स अनअटेंडेड ना रहे, उसको प्रॉपर इलाज मिले, फर्स्ट में वो होगा। नॉन अटेंडेड किसी की डेथ ना हो, नॉन अटेंडेड कोई भी पर्सन ना हो। अगर आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्डअप करना है, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ गजेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ स्टाफ को यूटिलाइज करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स के स्टाफ को उठाना पड़े, चाहे हमें प्राइवेट सेक्टर्स के स्टाफ को हायर करना पड़े, या नेशंस की तरह हम लोगों को एक स्कीम बनानी पड़ेगी कि सारा प्राइवेट स्टाफ अब नेशंस का पार्ट है। IMA इज द नेशंस पार्ट, नेशंस के पार्ट की, चाहे वो फिजिशियन प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा पब्लिक हित में या नेशन हित में करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो बहुत आपको जो अच्छी है ना बात कही पूरा सर, मैं समझ गया सर कि, और सबसे बड़ी बात जो है मुझे लगता है सर, जो आप कह रहे हैं ना कि एक भी पेशेंट अटेंडेंट नॉन अटेंडेंट ना रहे, वो ये इच्छा शक्ति की बात है सर। और कुर्सी पे चाहे कोई भी बैठा हो, डॉक्टर परवेज बैठे हो या कोई भी बैठा हो, उसके मन में इतना जरूर आना चाहिए कि आपातकालीन व्यवस्था करके इमरजेंसी में ओपीडी में इस तरीके की व्यवस्था की जा सकती है सर। जो आपने नहीं कहा मैं बहुत आपसे पूरी तरह सहमत हूँ सर, बहुत आपने अच्छी बात कही। मनिंदर जी आप कुछ और पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब सर, प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू देम। मेरे ख्याल में आपने बहुत बढ़िया बात इनसे पूछ ली है कि अगर ये उस प्रोफाइल में होते तो क्या व्यवस्था करते, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछिए इनसे, ताकि लोगों को नहीं थोड़ी मेरे ख्याल से तसल्ली डॉक्टर हो। साहब आज के लिए इनफ है, हम डॉक्टर साहब को फिर तकलीफ देते रहेंगे और कुछ और जी डॉक्टर्स को जी भी जोड़ेंगे ताकि हम अपने दर्शकों को जी इसकी जी सावधानियां भी बता सकें, और तीसरी वेव आने से पहले हम कुछ ना कुछ ऐसा कर पाए कि अगर लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए तो उनका दर्द जरूर कम हो जाए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर, और आपको फिर से हम तकलीफ देंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक थैंक यू पुष्पन जी, यू थैंक यू डॉक्टर मनदेव साहब, जी, थैंक थैंक यू यू सर, मनदेव, थैंक यू डॉक्टर साहब। जय थैंक हिंद, जय भारत। यू, जय जय भारत।